देखो ये काम कैसे करेगा हाउ विल इट वर्क हाउ विल इट वर्क कैसे काम करेगा ठीक है देखो एक चीज़ यहाँ पर समझने की है ठीक है तो यहाँ पर दो लाइंस होंगी यहाँ पर एक ऐसी लाइन होगी जो कि इनपुट देने के लिए यूज़ हो रही है और दूसरी ऐसी लाइन है जो कि यहाँ से आउटपुट देने के लिए यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पर हम रजिस्टर्स के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं वी आर यूजिंग पैरल इन एंड वी आर यूजिंग पैरल आउट हम यहाँ पर पैडल इन और पैलल आउट वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं ठीक है आई होप यू रिमेंबर इट तो रजिस्टर्स में हमने बताया था रजिस्टर्स अगर आपने चेक किए थे रजिस्टर के वीडियोस मतलब रजिस्टर में जब आपको रिवाइज़ कर रहा था डिजिटल लॉजिक तो डिजिटल लॉजिक में मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर्स में जो आपके फ्लिप फ्लॉप्स है उन फ्लिप फ्लॉप्स को आप इनपुट सीरियली भी दे सकते हैं और पैरली भी दे सकते हैं यू कैन हैव सीरियल इन सीरियल आउट यू कैन हैव पैडल इन एंड पैडल आउट तो इस तरीके से आप उनको दे सकते हैं आई होप इट इज क्लियर इतना सभी के साथ क्लियर है right. मैं एक बार फिर से बताता हूँ मी एक्सप्लेन देखो आपके पास दो कॉन्सेप्ट है वी हैव टू कॉन्सेप्ट वन इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर सेकंड इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर तो जो आपके पास मल्टीप्लेक्सर होता है इन योर मल्टीप्लेक्सर्स यू हैव फोर इनपुट्स ओके एंड यू हैव वन आउटपुट ओके एंड डी मल्टीप्लेक्सर्स के अंदर यू हैव वन इनपुट एंड यू हैव फोर आउटपुट्स ठीक है ठीक है तो बस ये लास्ट एग्जाम्पल आई थिंक आई फ्रॉम दिस एग्जाम्पल आई कैन मूव फॉरवर्ड तो इसको समझाने की कोशिश करता हूँ क्लियर तो यहाँ पर जो है हम लोग पैडल इन पैल आउट का कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पैडल इन एंड पैडल आउट ठीक है तो हियर यू कैन सी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यूज दीज लाइंस आर बेसिकली इनपुट टू रजिस्टर्स ये जो लाइन है ये रजिस्टर्स का इनपुट है एंड दीज लाइन्स यर दे आर प्रजेंटिंग आउटपुट फ्राम रजिस्टर्स दे आर प्रजेंटिंग आउटपुट फ्राम रजिस्टर्स ठीक है तो लेटर्स अज्यूम कि हम लोग सेलेक्ट लाइन्स में ज़ीरो वन पास करेंगे क्या पास करेंगे यहाँ पर ज़ीरो वन जीरो वन का मतलब क्या है कि ये जो आउटपुट नंबर टू है हर एक मल्टीप्लेक्सर के अंदर आउटपुट नंबर टू जो है आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा इन एवरी मल्टीप्लेक्सर आउटपुट नंबर टू विल भी एक्टिवेटेड ठीक है तो हम करेंगे क्या यहाँ से सबसे पहले हर एक रजिस्टर के अंदर हमारे पास एक लोड सिग्नल होता है वी हैव स्टोर इन सिग्नल ठीक है लोड एंड स्टोर दो सिग्नल्स आपके पास होते हैं करेक्ट तो हम लोग क्या करेंगे अगर हमें रजिस्टर ए से लेकर रजिस्टर सी के पास डेटा को ट्रांसफर करना है तो हम क्या करेंगे उस केस में वी आर गोइंग टू यू नो एक्टिवेट दिस रजिस्टर सी और रजिस्टर सी में जो लोड सिग्नल है हम इसको एक्टिवेट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो डेटा रजिस्टर ए से जा रहा है सो दिस रजिस्टर ए डेटा विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस मल्टीप्लेक्सर रजिस्टर ए का जो डेटा है वो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर्स के पास ट्रांसफर करेगा अंडरस्टूड आई होप आप सब देख पा रहे होंगे तो रजिस्टर ए का जो डेटा है वो हर एक मल्टीप्लेक्सर में ट्रांसफ़र करेगा एंड इन दैट मल्टीप्लेक्सर अकॉर्डिंग टू द सेलेक्ट लाइन बिकॉज हमने सेलेक्ट लाइन में जीरो वन पास किया है सो दिस आउटपुट टू विल भी एक्टिवेटेड तो आई थिंक अव स्मॉल डन अ स्मॉल मिस्टेक अगेन तो यहाँ पर क्या है कि हमें बिकॉज करना कहाँ से कहाँ तक है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी कि, कि करना कहाँ से कहाँ तक है राइट right? हमें ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ करना है तो ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ करना है हमें ट्रांसफ़र करना है हमें यहाँ पर आ, रजिस्टर ए से हमें रजिस्टर ए से लेकर रजिस्टर सी में ट्रांसफ़र करना है कहाँ से रजिस्टर ए से वी वॉन्ट टू ट्रांसफ़र द डेटा टू रजिस्टर सी और थोड़ा प्यार से समझना बिकॉज दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है तो देखो हमें ए से लेकर सी के पास डेटा ट्रांसफर करना है कहाँ से कहाँ तक ए से लेकर सी के पास ठीक है ए से लेकर सी के पास कैसे करेंगे सबसे पहले हमें सी से डेटा को रीड करना पड़ेगा तो सी कौन सा है इट इज़ रजिस्टर नंबर टू ये रजिस्टर नंबर ज़ीरो है दिस इज रजिस्टर नंबर वन दिस इज़ रजिस्टर नंबर टू एंड दिस इज़ रजिस्टर नंबर थ्री सी कौन सा रजिस्टर हमारा इट इज़ रजिस्टर नंबर टू यानी कि हम यहाँ पर रेट लाइन में जीरो वन को पास करेंगे क्या पास करेंगे जीरो वन तो जीरो वन का मतलब है कि जो इनपुट नंबर टू है ये उसको एक्टिवेट करेगा राइट तो इनपुट नंबर टू यानी कि ये वाला जो इनपुट है ये वाली जो लाइन है ये एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ से जाएगा इनपुट यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये जाएगा इनपुट यहाँ पर भी आप देख सकते हो यर इन दिस केस राइट तो यहाँ से देखो ये जो इनपुट नंबर टू है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से जो इनपुट नंबर टू है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा तो हर एक रजिस्टर के अंदर जो इनपुट नंबर टू है वो एक्टिवेट हो जाएगा राइट आई मीन हर एक मल्टीप्लेक्सर के इनपुट नंबर टू एक्टिवेट हो जाएगा और ये जाएगा यहाँ पर डेटा लाइंस इन सभी के पास एज ए आउटपुट यहाँ से सभी के पास आउटपुट जाएगा राइट right? और जिस भी रजिस्टर के अंदर हमें लोड करना है हम लोग वहाँ पर लोड सिग्नल को वन कर देंगे हम लोग लोड सिग्नल को एक्टिवेट कर देंगे यानी कि जो रजिस्टर नंबर सी का डेटा है वो यहाँ से फ्लो कर रहा होगा दिस डेटा दैट इज फ्लोइंग इन दिस लाइन विल बी फ्रॉम रजिस्टर नंबर सी और बिकॉज रजिस्टर नंबर सी का डेटा फ्लो कर रहा है और हमने रजिस्टर नंबर ए के अंदर लोड सिग्नल को एक्टिवेट कर दिया है तो ये जो डेटा है वो कहाँ पर कॉपी हो जाएगा रजिस्टर नंबर ए के अंदर किसके अंदर रजिस्टर नंबर ए के अंदर ओके सो आई बिलीव जो डायग्राम है थोड़ा सा कॉम्प्लीकेट हो गया सो लेट मी सिम्प्लीफाई द डायग्राम फॉर यू गाइस आप सभी के लिए इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा और सिम्प्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करता हूँ ओके सो ट मी शो यू द सेम डाइग्राम तो यहाँ पर भी सेम डाइग्राम ही है दिस इज़ द डायाम टेक्सट दैट इज़ दैट आइफ कॉपीड फ्राम द बुक तो ये बुक से मैंने कॉपी किया था लेट मी ट्राई टू जूम इट अप अगर हो सकता है तो so, यह देखो तो so, ये सेम डाइग्राम है बट दिस डायग्राम आइफ़ कॉपीड फ्राम द बुक ये डायग्राम जो है मैंने बुक से कॉपी किया था सो यू कैन व्यू दिस डाइग्राम हियर तो यहाँ पर क्या है कि हमें क्या करना है इधर अगर हमें यहाँ पर रजिस्टर नंबर जो सी का डेटा है वो रजिस्टर नंबर ए में करना है तो हम लोग क्या पास करेंगे यहाँ पर जीरो वन पास करेंगे सेलेक्ट लाइन में तो अगर हमने जीरो वन पास किया तो सभी का जो सेकंड इनपुट है ये वाला जो इनपुट है ये सभी रजिस्टर्स का ये वाला जो इनपुट है ये एक्टिवेट हो जाएगा राइट सो आई मीन सभी मल्टीप्लेक्सर्स का ये इनपुट एक्टिवेट हो जाएगा दिस इनपुट विल बी एक्टिवेट फॉर एवरी मल्टीप्लेक्सर और सभी मल्टीप्लेक्सर का ये जो आउटपुट है ये जो आउटपुट है वो हर एक रजिस्टर के पास जा रहा है यानी कि रजिस्टर के अंदर अगर हम लोड सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे अगर रजिस्टर नमर ए के अंदर लोड सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे तो रजिस्टर सी का जो डेटा है वो रजिस्टर ए के अंदर कॉपी हो जाएगा यानी कि यानी कि जो आपकी डेटा बस है टू बिल्ड दिस डेटा बस यू नीड मल्टीप्लेक्सर्स इस डेटा बस को बिल्ड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर्स की ज़रूरत है तो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द कॉमन बस सिस्टम अब यहाँ पर कितने कॉम्पोनेंट हैं हमारे कंप्यूटर्स में इस पूरे कंप्यूटर में कितने कॉम्पोनेंट को हमने कनेक्ट किया कितने है कितने कॉम्पोनेट है फर्स्ट कॉम्पोनेट कौन सा आपका मेमोरी यूनिट सेकेंड कॉम्पोनेट एड्रेस रजिस्टर थर्ड कॉम्पोनेट प्रोग्राम काउंटर द फोर्थ कॉम्पोनेंट डेटा रजिस्टर फिफ्थ कॉम्पोनेट इज योर एक्ूमिलेटर सिक्स कॉम्पोनेंट इज़ योर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड सेवंथ कॉम्पोनेंट इज योर टेम्प्रेरी रजिस्टर यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो हमने अपना यहाँ पर ये प्यारा सा दुलारा सा सिस्टम जनरेट किया है हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स हाउ मेनी कॉम्पोनेट्स और मेमरीज टू वी हैव टू कनेक्ट कितनी मेमरीज़ को यहाँ पर कनेक्ट करने की ज़रूरत है वी वॉन्ट टू कनेक्ट टोटल ऑफ सेवनटीन मेम सेवन मेमरी लोकेशंस तो सेवन मेमरी लोकेशंस के अंदर अगर सेवन मेमरी लोकेशंस है देन वट इज़ द मल्टीप्लेक्सर यू नीड सो आपको कितने मल्टीप्लेक्सर्स की ज़रूरत है यहाँ पर सो यू आर गोइंग टू नीड आई थिंक सेवन मल्टीप्लेक्सर्स और हर एक मल्टीप्लेक्सर में यू आर गोइंग टू हैव यू नो सेलेक्ट लाइन्स कितनी स्ट्रेट लाइन्स होंगी यू आर गोइंग टू नीड टोटल थ्री स्लैट लाइन्स राइट सो इट इज़ थ्री क्रॉस एट मल्टीप्लेक्सर तो हमें यहाँ पर थ्री क्रॉस एट मल्टीप्लेक्सर चाहिए सो दिस सिस्टम बस जो हमारे पास सिस्टम बस है दिस सिस्टम बस विल बी ऑफ थ्री क्रॉस एट मल्टीप्लेक्सर सिस्टम बस क्लियर हुआ इतना क्लियर है अच्छा मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शन साइकिल इफ़ यू रिमेंबर इट तो ये मेरा प्रीवियस लेक्चर था तो यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल को डिस्कस किया था इन दिस केस ऑल्सो हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल को ही डिस्कस करेंगे दोबारा से तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में मल्टीप्लेक्सर की क्या वैल्यूज होगी सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम ठीक है तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहले फेच साइकिल कौन सी थी आपके पास फेच साइकिल द सेकेंड वन इज डिकोड इंस्ट्रक्शन द थर्ड वन इज़ रीड एड्रेस फ्रॉम मेमरी एंड द फोर्थ वन इज एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन तो मैंने बताया तो था, था कि इसका जो स्टेप है वट वॉज द स्टेप कौन कौन से स्टेप थे सबसे पहले स्टार्ट करो सबसे पहले ट्रांसफर करो प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है दैट ट्रांसफर दैट एड्रेस टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और एम और हमारे केस में मेमोरी रजिस्टर का मतलब क्या है एड्रेस रजिस्टर ओनली ठीक है नेक्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर उसके बाद जो एम है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उसकी वैल्यू से हम लोग मेमोरी डेटा रजिस्टर में डेटा को कॉपी कर लेंगे मेमोरी के अंदर राइट तो हम लोग यहाँ पर क्या था आपके पास दिस इज़ एम ए आर एम ए आर मीन्स एड्रेस रजिस्टर एंड एम डी आर एम डी आर मीन्स मेमोरी डेटा रजिस्टर हमारे पास नाम क्या है उसका डेटा रजिस्टर ओके ओके देन वी हैव इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फिर आपके पास था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड देन यहाँ पर आपके पास है कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि कंट्रोल यूनिट जो भी ऑपरेशन है उसको डिकोड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा अगेन तो इस तरीके से हमारे पास कुछ प्रोसेस थी राइट right. तो इस प्रोसेस को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि जो प्रोसेस है वो इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम में कैसे काम करेगी हाउ ऑल ऑफ दिस प्रोसेस आर गोइंग टू वर्क इन दिस कंप्यूटर सिस्टम ठीक है चलिए ये उसको हम लोग कल कर डिस्कस करेंगे अदरवाइज इट विल बिकम टू मच फॉर टुडे आपके लिए आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा सो आई एल नॉट डिस्कस इट बट जस्ट टू गिव यू ब्रीफ आइडिया आप सभी के लिए ब्रीफ आइडिया क्या है कि यहाँ पर जो भी सिलेक्ट लाइन्स है वट आव द वैल्यूज वी पास इन द सेलेक्ट लाइन्स लेटअ सपोज यू वॉस पास द वैल्यू वन 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 अगर यहाँ पर सेलेक्ट लाइन्स के अंदर वन 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 वैल्यू पास करेंगे दैट मीन्स जो मल्टीप्लेक्सर है उसके अंदर वैल्यू क्या सेलेक्ट हुई सेवन सेवन का मतलब है कि हम मेमोरी यूनिट से डेटा को अभी इस ट्रांस बस के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं सो डेटा विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट ओके यानी कि अगर हमने यहाँ पर सेलेक्ट लाइन्स के अंदर इफ़ यू आर पासिंग द डेटा इज़ ज़ीरो वन जीरो सेलेक्ट लाइन्स के अंदर हमने ज़ीरो वन जीरो को पास किया है अगर ज़ीरो वन जीरो को पास किया है दैट मीन्स दिस ज़ीरो वन जीरो मीज टू टू मीन्स प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो अब इस डेटा बस में फ्लो करेगी मतलब तो बेसिकली यहाँ पर ना जो नंबर लिखा हुआ है ये जो नंबर लिखा हुआ है दिस नंबर रिप्रेजेंट्स कि सेलेक्ट लाइन्स के अंदर क्या इनपुट देना है सो so दैट जो भी वो रजिस्टर है उसका डेटा बस के अंदर फ्लो करे अंडरस्टूड तो अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो वन पास करूँगा यानी कि ये जो आपका एड्रेस रजिस्टर है एड्रेस रजिस्टर का जो डेटा है वो इस बस में फ़्लो करेगा उसके बाद मैं किसी दूसरे रजिस्टर, रजिस्टर का लोड इनपुट इन एनेबल करूँगा ताकि वो जो डेटा है वो उस रजिस्टर के अंदर जाके स्टोर हो सके तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे लेट अस डिस्कस इट टुमारो आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा आई होप दैट यू मस्ट हैव एन्जॉय टूडेज़ लेक्चर आज का लेक्चर आपने एन्जॉय किया होगा कल हम इसको डिस्कस करेंगे ठीक है फिर उसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे अपना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को जैसे आपके ऑपरेशन कोड इंस्ट्रक्शन है और यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन को कैसे बना सकते हैं हाउ कैन वी मेक असेंबली कोड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दिस गिवन एग्जाम्पल और ये सभी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे तो आपके टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल है कंट्रोल यूनिट को कैसे डिजाइन करना है वट एवर काइंड ऑफ कंट्रोल यूनिट्स यू कैन हैव यू कैन हैव अ हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट यू कैन हैव अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट वी विल डिस्कस देम टमोरो और जो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स है उसको तो कैसे जनरेट करना है ये सभी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे और फैच करने के बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड कैसे करते हैं उस सिस्टम को भी हम चेक करेंगे और फिर ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह के इंस्ट्रक्शन है डिटाइन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कल हाउ कैन वी डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन और जैसे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं तो कैसे एग्जीक्यूट होंगे एंड सो ऑन तो जो प्रोग्राम्स हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ प्रजेंटिंग अ प्रोग्राम तो ये जो प्रोग्राम है हाउ दीज प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड एंड सो ऑन